मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो भी गाइस सुबह के 4 बज रहे हैं, फिलहाल मैं सो के उठ गया हूँ बिकॉज आज हम निकलेंगे घर से दुबई के लिए। आज हम दिल्ली रुकेंगे, कल हमारी फ्लाइट है दुबई की, तो आज हम दिल्ली जाएंगे। फिलहाल मैं उठ गया हूँ सुबह सुबह 4 बजे, फिलहाल नहाता हूँ, रेडी होता हूँ और साहिल और मैं निकलेंगे यहाँ से। गाइस मेरे को दुबई जाने की इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मेरे को नींद ही नहीं आई भाई। 1-2 घंटा सोया हूँ मैं, फिर भी इतना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ मैं बिकॉज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ना, इंटरनेशनल फर्स्ट फ्लाइट होगी मेरी, इंटरनेशनल फ्लाइट पहली बार जा रहा हूँ दुबई। तो हाँ, 1-2 बार जाऊँगा फिर नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन पहली बार में होता है ना, जो चीज़ पहली बार होती है। तो चलते हैं। और हाँ गाइस, ये मैं सोचता कि मैं शो ऑफ के लिए जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे आपको बिल्डिंग्स दिखाने के लिए, लग्जरी दिखाने के लिए कि भाई मैं ऐसे घूम रहा हूँ, मैं ऐसे ये कर रहा हूँ, ये मैं सोचता कि मैं शो ऑफ करने के लिए जा रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको दिखाऊंगा कि मेरे को कैसा फील हो रहा है बाहर जाके, मैं इंटरनेशनल जा रहा हूँ दुबई जा। हाँ, मैं दिखाऊंगा वहाँ की चीज़ें, दिखाऊंगा दुबई जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेंगी, बिल्डिंग्स या फिर जो भी होंगी वो मैं दिखाऊंगा आपको। बट ये मैं सोचता कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा कि मैं पहली बार अगर जाता हूँ तो मुझे कैसा फील होता है, कैसे लोग मिलते हैं, मेरा क्या रिएक्शन रहता है चीज़ों को देख के। मैं कम्प्लीटली आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और जो भी चीज़ें होंगी किस तरह से जाएंगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा अगर आपको पहली बार जाना है। बाकी अपने धर्म और संस्कृति के साथ जुड़े रह के अच्छे से ब्लॉग करेंगे, अच्छे से घूमेंगे, राधे राधे बोलेंगे, सुबह शाम पूजा भी करेंगे जैसे यहाँ करता हूँ, भजन सुनेंगे, तो हाँ वही सब करेंगे पॉजिटिविटी के साथ में। और गाइज मैंने तो अपना बैग भी चेंज कर लिया, मैं छोटा बैग ले रहा था, मैं बड़ा बैग ले रहा हूँ बिकॉज मेरी जो टिकट है ना वो बिजनेस क्लास की टिकट है, तो मुझे लाइन में लगना पड़ेगा, सीधा मेरा लगेज भी पहले मिल जाएगा और सिक्योरिटी चेक भी ईजी होगा, तो इसलिए मैंने बड़ा बैग ले लिया। बड़े बैग की कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बिजनेस क्लास की टिकट है ना। तो हाँ, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे, वो भी सीधा बिजनेस क्लास की टिकट पे। भाई राधा रानी की इतनी कृपा हो रही है और आप लोगों का इतना प्यार, मतलब बहुत थैंक यू सो मच गाइस। चलो फिलहाल अब नहाता हूँ मैं, रेडी होता हूँ, उसके बाद फिर साहिल को उठाता हूँ, साहिल भी नहाएगा रेडी होएगा, फिर निकलेंगे सीधा दिल्ली के लिए। 5 बजे निकल जाएंगे ताकि आराम से पहुँच जाएँ 11-12 बजे तक मस्त, फिर उसके बाद शॉपिंग वगैरह करेंगे, फिर कल सीधा दुबई की फ्लाइट। तो अभी इस बैग का सारा सामान इसमें डालना है। गाइस मैं तो नहा के रेडी हो गया हूँ, 4:30 बज चुके हैं लेकिन साहिल नहीं उठ रहा, उसको 3 बार उठा दिया, चौथी बार उठा रहा हूँ, तो चौथी बार जल्दी रेडी हो जाए, 4:30 बज गए। साहिल भी रेडी हो गए, 5 बजने में 7 मिनट बाकी हैं, लेकिन हमारे अलावा कोई नहीं उठा, बाकी सब सो रहे हैं, तो मम्मी मम्मी पापा को उठाना पड़ेगा, उनको बाय बोल के जाएंगे ना अच्छे से, प्रणाम करके और आशीर्वाद लेके जाएंगे। उठो, 5 बज गए, 5 बज गए, तैयार हो गया? तैयार तैयार जाने लग गए हम तो 5 बजे। हो गया तो और क्या, आवाज क्यों नहीं सुनी भी नहाने धोने की? टेंशन मत लेना, ठीक है, टेंशन मत लेना, बहुत दूर जा रहा है, अरे मम्मी ध्यान से आना बस, टेंशन मत, मैं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊँ, किसी भी देश में चले जाऊँ, आपके संस्कार से ही रहूंगा, ठीक है। साहिल का ध्यान रखना। मम्मी और पापा की नींद खराब कर दिया मैंने, नहीं अब उठने का टाइम तो हो गया बेटा, गाड़ी आराम से जाना बस। अरे आराम से चलाता हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, मैं तो आराम से चलाऊंगा, प्लेन आराम से जाएगा नहीं जाएगा वो मुझे नहीं पता। बाय 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 बाय, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गाइस बाहर तो पूरा उजाला हो गया, देखो मुझे लगा अंधेरा हो रहा होगा। दवाई ले गया हूँ मैं, दवाई दूवी सब ले गया हूँ, दवाई ले गया हूँ, सब ले गया हूँ, मेरे को लगा था अंधेरा हो रहा होगा। 5 बज रहे हैं, जल्दी निकलते हैं भाई, नहीं तो ट्रैफिक हो गया ना, पूरा दिन निकल जाएगा फिर। तो गाइस हम जाएंगे फॉर्च्यूनर लेके दिल्ली तक, इससे आगे प्लेन में, इसको बोले मेरा ध्यान रखिएगा। चलें फिर, एक और है 11, एक और है 11, छोटी सी बिल्ली, कौन छोड़ गया इसको, उठा उठा ले इसको, उठा ले उठा उठा ले, हाँ फिर कौन छोड़ गया इसको। पहली बार जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे दोनों भाई भाई, किस दिन पूरी फैमिली भी जाएंगे, जब पूरी फैमिली ठीक हो जाएगी ना, सबके पासपोर्ट बन जाएंगे, मम्मी के हाथ दर्द ठीक हो जाएगा, दूध देते हैं इसको, दूध दे दो इसको, चलो दूध पिएगा, ठीक है, और दोस्त बना लो इसको। जय माता रानी, सब कुछ बिल्कुल ठीक रखना, ओके मम्मी बाय बाय। चलो दोनों भाई निकल गए मस्त, भजन सुनते हुए चलते हैं, अब मिलते हैं सीधा दिल्ली आपसे। तो भी गाइस दिल्ली पहुंच चुके हैं और अभी हम सीधा मॉल में आ गए हैं, यहीं पे थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, यहीं पे खाना पीना खाएंगे, बहुत भूख लगी है। चलो भाई मिल गई पार्किंग, भाई गाड़ी देख कैसे पार्क किया मैंने, भाई हल्की सी भी आगे होती है ना लग जाती है, भाई हल्की सी भी आगे होती लग जाती, एक उंगली की एक उंगली बची हुई बस। तो गाइस मॉल के अंदर तो आ गए, पहले क्या करना है, पहले शॉपिंग या खाना, पहले खाना भाई, भूख लग, पहले खाना, भूख लग रही है ना, 1:30 बज गए। आपने पप्पी ली थी मुझे, गैस ये वही भैया हैं जिन्होंने हमको पप्पी ली थी। ओए ओए ओए, कल ही मिलोगे ना, कल ही मिलोगे ना आप, तो आज क्या कर रहे हो भाई, भाई कैसे याद दिला रहे, याद है पप्पी ली थी, भाई ऐसे बोल रहे याद है पप्पी ली थी, अब तो नहीं लोगे, नहीं नहीं अभी, अब तो मॉल में है। अच्छा मॉल में नहीं तो ले लेते, नहीं गैस आज हम यहाँ बैठ के नहीं खा रहे, यहाँ देखो बहुत भीड़ हो रही है, कौन सी बिरयानी खाएं। गाइज हमारे क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर आए हैं यहाँ पे, किसका बर्थडे है, इनका बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे, ओके
तो गाइस हमारी बिरयानी आ गई है, वेज बिरयानी साथ में रायता। तो गाइस खाना फिनिश, अब चलें होटल चलें, अब चलते हैं ज़ारा शॉपिंग के लिए। तो गाइस हमारी शॉपिंग तो होगी, मैंने ऊपर का लिया इसे नीचे का लिया। ओ भाई तो यहाँ से दिल्ली का व्यू दिख रहा है, स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे, तो जा सकते हैं, पीयूष तो पक्का जाता। तो गाइस ये रूम है जहाँ पे हम आज रात को रुकेंगे। तो सारी एक्साइटमेंट हो रही है कल की और भाई पहली बार जा रहे हैं दूसरी कंट्री में। लेकिन गाइस साहिल लग नहीं रहा एक्साइटेड, आराम से बैठा हुआ है, सुबह भी लेट उठा था ये। मैं तो सोया नहीं रात को, तो अब मैं सोऊंगा आराम से, हमारी कल सुबह 11 बजे की फ्लाइट है, तो हमको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। भाई मेरे को तो बुर्ज खलीफा देखना है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है ना पूरे वर्ल्ड की, देखना है भाई एक्चुअल में आंखों से, आंखों के सामने कैसी दिखती है, कितनी बड़ी है एक्चुअल में। दुबई मॉल भी जाएंगे शायद, स्काई डाइविंग भी करेंगे हम, जो भी एडवेंचर एक्टिविटीज होती है ना सारी करेंगे शायद। तो फिलहाल अब कॉफी वगैरह बनाते हैं, और गाइस मैं दुबई के लिए खाने के लिए ये भी ले आऊँ, रात को भूख लगती है ना एडिटिंग करेंगे तो ये, और साथ में अपनी मट्ठी ये भी। वैसे तो गाइस मैं कॉफी भी लेके आया था लेकिन ये अलाउड नहीं है फ्लाइट में। तो अभी हम वीडियो देख रहे हैं स्काई डाइविंग की, और हम सोच रहे हैं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ऊपर प्लेन से कूदना भाई इतनी ऊपर, तो हाँ डर लगेगा बहुत, कहीं हम कहीं कर ही ना पाएं। इसे पहले एक बार देख रहे हैं, देखने में तो डरावना लग रहा है ना भाई, बेहोश हो गए तो। गाइस पैराग्लाइडिंग तो करी है हमने, पैराग्लाइडिंग में डर नहीं लगता, बट इसमें प्लेन से कूदना है। वैसे मम्मी जी ने तो मना किया कि मत करना ऐसे कुछ, क्योंकि मम्मी को बहुत डर लगता है ना, बट वो सेफ होती है दुबई में। गाइज आज तो हम सारी दुबई की वीडियो देख रहे हैं कि दुबई में जाके क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, हमको पता तो है नहीं, तो हम सारी वही वीडियोस देख रहे हैं दुबई की। तो भी गाइज रात हो चुकी है, फिलहाल वेट कर रहे हैं डिनर का, डिनर आएगा फिर सोएंगे। तो भी गाइज हमारा डिनर आ चुका है, लेकिन ये देखो भाई डिनर के साथ में मशीन भी आई है, मशीन वो यहीं छोड़ गए, पेमेंट वाली मशीन। पैसे आते हैं इसमें से, पैसे निकलते हैं इसमें से, पैसे इसमें से ना पैसे निकलेंगे। खाने में से दो चीज़ें मंगाई हैं, पनीर की सब्जी और मिस्सी रोटी बस, बहुत और बहुत मसाले वाली है भाई ये। गाइज मेरे को ना इतने मसाले वाली सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं आती, नॉर्मल घर वाली सब्जी पसंद आती है मम्मी के हाथ की, लेकिन बाहर तो होटल्स में यही मिलेगी, अब दुबई में भी यही मिलेगा, दुबई में इंडियन खाना जो भी खाएंगे हम यही मिलेगा, और तवा रोटी भी नहीं मिलती, तो ये रोटी मंगानी पड़ी हमको। तो चलो गाइज फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, आने वाले ब्लॉग देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज अभी हम इंडिया में कल हम दुबई में होंगे, तो देखना भाई मैं तो बहुत एक्साइटमेंट इतनी हो रही ना, जल्दी खाना खाते हैं और फिर सोते हैं और सुबह उठते हैं, 5 बजे उठना पड़ेगा तभी 6 बजे निकल पाएंगे, 7 बजे एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट पर जो भी होगा वो देखना आप नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। चलो हम खाना खाते हैं, इस व्लॉग करता हूँ, चलो हम डिनर करते हैं और इस व्लॉग करता हूँ एंड। आई होप आवाज़ मत करना, गुड़ी हो गया, क्या कर रहा है तू ये, तू एंड कर।